नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। राज्य उत्तर प्रदेश, जिला चित्रकूट। चित्रकूट के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में तरौहा दुर्गागंज एक मोहल्ला है और वहाँ पे रहने वाले काशी केसरवानी के साढ़ू सुरेश केसरवानी दिन में 2 बजे कोतवाली पहुँचे। कोतवाली में उन्होंने ये बताया कि उनका सगा साढ़ू काशी केसरवानी तरौहा दुर्गागंज इलाके में रहता है, जहाँ वो उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ रहते हैं। पिछले 4 सालों से न तो उसकी पत्नी न ही दोनों बच्चों को मोहल्ले में किसी ने देखा है। ये तीनों घर के भीतर ही रहते हैं। छत से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं। आज 10 बजे मैं काशी के घर गया, काशी को आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। करीब आधे घंटे के बाद वो दरवाजे के झरोखे से उसने झांका। मैंने उससे कहा कि दरवाज़ा खोलो, मेरी पत्नी अपनी बहन के बारे में बहुत चिंतित है। पिछले 1.5 साल से तुमने न तो फ़ोन उठाया न उससे बात कराई। इस बीच में मैं जब जब तुम्हारे यहाँ आया, तुमने ये कहा कि हमारे पूरे परिवार की तबीयत खराब है, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और हम लोगों ने भी सोचा कि तुम परेशानी में हो, इसलिए हम चले गए। हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आज जब तक हम अपनी साली यानी अपनी पत्नी की बहन और दोनों बच्चों को देख नहीं लेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। काफ़ी हुज्जत के बाद उसने झरोखे से ही कहा, देख लो तुम्हारी साली सही सलामत है। थोड़ी देर में वो कमरे से निकलकर चलती हुई जब दरवाजे के पास आई तो ऐसा लगा कि लंगड़ा कर चल रही है, शरीर में जान नहीं है, बुलाने पर बहुत धीमा धीमा बोल रही थी। लेकिन ये संतोष हो गया कि अभी ये जीवित है। मैंने बच्चों को भी देखने की जिद की। बच्चे रजत 13 साल का और असिता 14 साल की थी। पहले असिता झरोखे से दिखाई दी, उसने कहा देख लो ये बेटी भी ठीक है, लेकिन वो बेटी भी बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए और जिसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बार बार पूछने के बाद भी वो तबीयत के बारे में कतई नहीं बता पा रही थी। उसके जाते ही बेटा रजत वो भी उसी झरोखे में से दिखाई पड़ा। मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा कि तुम अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। उसने कहा तुम चाहो तो तोड़ दो, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दरवाज़ा तोड़ोगे तो फिर बुरा होगा, तुम्हें कोई जिंदा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सुरेश ने कहा थाना प्रभारी से कि मैं डर गया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या आपके मातहत कर्मचारी फौरन वहां चलकर उस माँ और उनके दोनों बच्चियों को मुक्त कराइए, देखिए उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। थानाध्यक्ष स्वयं अपने साथी थाने के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। काशी को बार बार आवाज़ लगाई, लेकिन काशी बिल्कुल उसने एक शब्द भी नहीं निकाले। मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया, कुल्हाड़ी मंगवाई और दरवाजे को तोड़ के भीतर प्रवेश किया। इंस्पेक्टर ने देखा, इंस्पेक्टर की रूह कांप गई।
एक कमरे में एक खाट पर पत्नी और दोनों बच्चे लगभग मरणासन्न अवस्था में बैठे हुए थे। पूरा शरीर पीला पड़ गया था, आंखें धस गई थीं, गाल धसे हुए थे, हाथ पैर बिल्कुल सींक जैसे हो गए थे और पूरे घर में, घर के बीच में एक तसला जिसमें हल्का सा धुआं निकल रहा था, बीच में एक नारियल रखा था, नारियल के ऊपर ओम और जय माता दी लिखा हुआ था। आंगन की तरफ एक चौकोर सी डिजाइन बनी हुई थी जिसके दोनों तरफ एक एक सरिया लगी हुई थी और चारों कोनों पर एक एक दिया जल रहा था। पूरे घर में तंत्र मंत्र से संबंधित सामान बिखरा पड़ा था। लग रहा था कई साल से ये सामान साफ नहीं किया गया। काले धागे, लाल धागे, जायफल और उसके हड्डियों के टुकड़े, तमाम सामान चारों तरफ, सरसों, राख, पूरे घर में बिखरा पड़ा था। भागने की कोशिश की काशी ने, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पत्नी और बच्चों की ऐसी बुरी हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई गई और चाइल्ड लाइन, चूंकि दोनों बच्चे 13 साल का एक 14 साल का, चाइल्ड लाइन के सदस्यों को बुलवाया गया कि बच्चों को वहां से रेस्क्यू कराया जाए। चाइल्ड लाइन के सदस्य विशेष त्रिपाठी भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए और उन्होंने बताया कि पूरे दोनों बच्चों के शरीर पीले पड़ गए थे, बेहद कमजोर थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, ऐसा लगता था जैसे किसी बीमारी से ग्रसित हैं। पूरे घर में तंत्र मंत्र की जितनी सामग्री, पूजन सामग्री, हवन सामग्री पूरे घर में बिखरी पड़ी थी। पुलिस ने सभी को पहले हॉस्पिटल भिजवाया, पत्नी और दोनों बच्चों को। डॉक्टर्स ने बताया कि इनमें इतनी डिफिशियंसी है कि इनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों को प्रयागराज रिफ़र किया गया, स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के लिए, जहां अब भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चित्रकूट में जब उन्हें थोड़ा खाने पीने की सामग्री और बाकी सामान, एनर्जी की कुछ चीज़ें दी गईं, तो काशी की बेटी असिता ने बताया कि पापा का नमकीन का बड़ा कारखाना था जो घाटे में चला गया और बंद हो गया। पैसों की बहुत कमी हुई, मेरे और मेरे भाई की फीस के लिए पैसे नहीं बचे तो हम लोगों की पढ़ाई छूट गई। हम लोग घर पर ही रहने लगे, कोई बाहर नहीं जाता था, छत पर भी जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, दरवाजे की ड्योढ़ी डांकने की किसी को इजाज़त नहीं थी। पापा बाहर से खाने का सामान ले आते थे, घर में खाना बनाया जाता था, लेकिन खाना खाने में अरुचि होती गई। कभी कोई दो चम्मच चावल दाल खा लेता था, कभी आधी रोटी से काम चल जाता था। और हम लोग करीब 4 साल से इसी घर के कमरे में कैद हैं। हमने बाहर के किसी भी व्यक्ति को 4 सालों में नहीं देखा है, ना अपनी नानी को, ना मामी को, ना मामा को, मामा के बच्चों को, किसी को भी नहीं देखा है। पड़ोस के लोगों से इंस्पेक्टर ने पूछताछ की कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे इतना बेरहम हो सकता है कि अपने दो नाबालिग बच्चों को, अपनी पत्नी को इतना कष्ट 4 वर्षों से दे रहा हो। तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि काशी का नमकीन का बहुत बड़ा व्यापार था। व्यापार की शुरुआत काशी के एक छोटे भाई
और काशी के एक बड़े भाई ने मिलकर की थी। यही मकान जिसमें इसकी पत्नी और दोनों बच्चे मरणासन्न हालत में मिले हैं, कारखाना इसी बड़े मकान में लगाया गया था और कारखाना इतना मशहूर हो गया कि आसपास के जिलों में भी इसी यहीं की बनाई हुई नमकीन ये लोग बेचने लगे। लेकिन ज़्यादा पैसा आने के बाद भाइयों में पैसे को लेकर अनबन हुई। बड़े भाई और छोटे भाई अपना ज़्यादा हिस्सा डिमांड करने लगे और इसी लड़ाई के चलते दोनों भाई वहाँ से चले गए। अलग अलग जगहों पे जाकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। काशी ने अकेले उस व्यापार को संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। क्वालिटी जो थी वो ख़त्म हो गई और इसी बीच काशी के पत्नी की तबीयत खराब हो गई। काशी का काफ़ी पैसा पत्नी के इलाज में खर्च होने लगा और वो उनकी दवा कराने लगा। परेशान होकर उसकी मुलाकात किसी तांत्रिक से हो गई। बस तांत्रिक ने देखा चारों तरफ से घिरा हुआ लूटा पिटा आदमी उनकी शरण में आया है। पहले कुछ थोड़ा बहुत जैसे तांत्रिक आए तो वो बताएंगे कि आपके दाएं हाथ में दर्द होता है, आपके बाएं हाथ में दर्द होता है, घर में किसी की बहुत तबीयत खराब है। ये ऐसी बातें होती हैं जो किसी पर भी फिट हो जाएंगी, किसी पर, कि एक आदमी बहुत बुरी हालत में है, अच्छा बच्चे भी तुम्हारे स्कूल नहीं जा रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी के बाद कुछ ऐसे जवाब, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी के ऊपर लागू हो जाते हैं, जैसे पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। कोई भी कहेगा हाँ 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 बिल्कुल सही कहा आपने, ये एकदम सही है। ये कहेंगे कि आप दूसरों का बहुत भला करते हैं लेकिन आपके हाथ में यश नहीं है, आप जिनका भला करते हैं वही आपको गाली देता है। लगभग सभी पे ये बात सही निकलती है। आदमी सोचता है कि बड़े पहुँचे हुए फकीर हैं, ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं और बिल्कुल सही सही बता रहे हैं। ऐसे तमाम और सामान्य स्टेटमेंट हैं जो कोई भी अपने दिल पर लेगा और कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। तांत्रिक या ढोंगी, इस तरह के जितने ढोंगी लोग हैं वो इस तरह की बातों को बताकर पहले अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी का ये है वो है तो आदमी हाँ हाँ साहब बिल्कुल तो खड़ी भी नहीं हो पाती है। आहा, फिर उनको एक मिल गया कि भाई उनके कूल्हे की हड्डी सब चटक गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। और फिर ये बताएंगे कि उनको कोई रोग नहीं है, ताकि आप डॉक्टर के यहाँ ना जाएं, उन पर प्रेत का साया, ऊपर जादुई साया, ऊपर की बात, कोई खराब हवा, या अलग अलग टर्म अलग अलग इलाके में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा ही काशी के शर्वानी को बताया गया। काशी उनसे उपाय पूछता रहा। जब तक काशी उसके कहे अनुसार कभी चिरौंजी, कभी मुर्गा, कभी बकरा, कभी शराब, जो वो यत्न तंत्र यंत्र के लिए जो यत्न करते हैं उसके लिए जो कुछ भी लगता है वो आसामी ही ले आता है, कस्टमर ही ले आता है, उनके लिए वो कस्टमर है। जब तक वो ये सब देता रहा तब तक उसको बताते रहे कि ये इस पर फलाना साया है, इस पर ढकाना साया है, वो देखो मैंने बोतल में बंद कर दिया, उसको कील से ज़मीन में गाड़ दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे साल भर बीत गए। उसने फिर कहना शुरू किया कि वो देखो तुम्हारा बेटा बाहर निकला था फलां चीज़ लेने के लिए, फिर इसको एक बुरे साए ने पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर लोग काला जादू कर चुके हैं, तुम्हें मुठकरनी बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम मारण यंत्र तुम्हारे ऊपर प्रहार हो चुका है, ऐसा करो इन सभी को एक कमरे में रखो, किसी की आँख किसी की नज़र इन पर ना पड़े।
उसने वही किया, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। हिदायत की कि कोई भी तुम लोगों को देखने न पाए। ऊपर छत पे जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए, ताला बंद कर दिया। उसने यही कहा कि तुम्हारे घाटे की रिकवरी तभी पॉसिबल है जब इनको अपने से दूर रखो, किसी की नज़र न पड़े, और ये तक कहा कि तुम्हारी भी नज़र इन पर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, ये सब तरीके हैं कि तबीयत खराब होगी और फिर वो परेशान होंगे, तुम्हारी नज़र पड़ेगी, तुम्हारे अंदर थोड़ा उनके प्रति मोह उत्पन्न होगा, फिर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लिहाजा ये कहा कि तुम्हारी भी नज़र न पड़े। बाहर से खाने का सामान, कपड़े, जो कुछ भी भीतर उनको ज़रूरत है वो ले आता था, बाहर से हल्ला करता था कि मैं आ गया हूँ, ताकि सब लोग कमरे में बंद हो जाएं। सामान वो वहीं रख देता था, दूसरे कमरे में बैठ जाता था। खाना जब बन जाता था तो पत्नी माँ से कहती थी खाना बन गया है, फिर पत्नी और बच्चे एक कमरे में ये अपना खाना ले आता था, खाना खा लेता था। कभी कभार वो दिन में 2-3 बार घर के बाहर निकलता था, लेकिन गेट पर ताला बंद कर देता था। घर के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। नमकीन के कारखाने का सामान धीरे धीरे बेचकर वो अपना खर्च चलाता था। कुछ नमकीन की उधारी दुकानों पर पड़ी थी, उनसे भी वसूल कर अपने परिवार का खर्च चला रहा था। पुलिस ने साधु का भी फिर से बयान लिया। साधु, जो सुरेश नाम का साधु जिसने शिकायत की थी कोतवाली में, उसने भी कमोबेश यही बात बताई कि 4 वर्षों में जाने कितनी बार मैं आया होऊंगा, लेकिन इसने कभी बच्चों या पत्नी से मिलने नहीं दिया। हम लोगों को भी लगा कि ये कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होगी, ये मिलने से मना करता है, लेकिन जब शक ज़्यादा गहराने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा जाओ और मेरी बहन को अपनी आँखों से देख कर आओ। फिर इस जिद में उस दिन मैंने उनको देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और तब मुझे लगा कि यह हालात ठीक नहीं है। अगर इसमें देर हुई तो ज़रूर इनमें से किसी एक पर या इनमें से सब पे इनकी जान पर बन आएगी। हर्ष पांडे सीओसीटी बताते हैं कि काशी के रिश्तेदारों की सूचना पर कि घर में बच्चों को और पत्नी को इसने कैद कर रखा है, खिड़की और छत पर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, तो आपस में आसपास, जब हर्ष पांडे ने बताया कि जब आसपास जानकारी इकट्ठा की गई तो पता लगा कि 4 साल से काशी की पत्नी और बच्चों को किसी ने घर के बाहर नहीं देखा था। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो दरवाजे को तोड़कर पुलिस भीतर गई थी। सवाल ये हुआ कि इस घटना की शिकायत कौन दे। साधु से कहा गया कि आप आए थे, आपने थाने पर शिकायत की थी, पुलिस गई, इनको आज़ाद कराया, अस्पताल भर्ती कराया, लिहाजा ये पूरी घटना आप लिख कर दीजिए। साधु ने भी ना नुकर की कि साहब, मुझे जो डर था कि कहीं कोई मर न गया हो, देख लिया मैंने, आपने इनको आज़ाद कर दिया, अब इन्हें उनके यहाँ कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन मुकदमा कायम करके इस आदमी को जेल भेजने से भी हमारी समस्या का हल नहीं होगा, लिहाजा कोई FIR नहीं लिखी गई। दोनों बच्चों और पत्नी की हालत में अभी भी प्रयागराज में SRN में भर्ती हैं, कोई बहुत सुधार नहीं दिख रहा है। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल अंतिम श्रेणी पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी जान नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है इनकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो जाए। आज की घटना में तंत्र मंत्र और तांत्रिक पर विश्वास करके काशी केसरवानी ने अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। पत्नी, बेटा और बेटी मानसिक रूप से बीमार हो गए, शारीरिक रूप से मरणासन्न हो गए। जब व्यापार अच्छा चल रहा था तो दोनों बच्चे और पत्नी का बाजार, हाट और पड़ोसियों के यहाँ आना जाना था,
सभी स्वस्थ थे, मानसिक रूप से बहुत अच्छे थे। बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, बेटी भी पढ़ाई में अच्छी थी और पत्नी सबके दुख सुख में शामिल होती थी। पर एक बार समय खराब हुआ। सारा खेल इसी समय का है। समय खराब हुआ, भाइयों में झगड़ा हुआ, बहुत जिसको अच्छी स्थिति में चलने वाला उनका नमकीन का कारखाना धीरे धीरे बंदी की कगार पे हो गया। भाई दूर हो गए, अकेले चला नहीं पाया। इसी बीच पत्नी की तबीयत गड़बड़ हो गई, जो कुछ रुपया पैसा था पत्नी के इलाज में लगा दिया और जब कुछ नहीं बचा तो तांत्रिक की शरण में पहुंच गया। बच्चों की स्कूल बंद हो गए, फीस के पैसे, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, फीस के पैसे घर में नहीं थे। जब तांत्रिक की एंट्री हुई और तांत्रिक ने पहले अपने तरह से अपने तरीके से प्रभाव जमा लिया कि अब ये मुर्गा हमारे हाथ से बाहर जा ही नहीं सकता, तरह तरह की बातें कि तुमने ऐसा किया तो ख़त्म हो जाओगे, कहा पत्नी बच्चों से दूर हो जाओ, ये इनके अंदर शैतान समा गया है और ये सब मिलकर तुम्हें खा जाएंगे, इनके सामने कभी मत पड़ना, इनकी इनमें से किसी की नज़र अगर तुम पर पड़ गई तो तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, ये सब डराने के तरीके हैं। तांत्रिक कुछ नहीं है, अंत्र मंत्र तंत्र होगा कोई जो हिमालय में बैठकर जो 50 साल से साधना कर रहा होगा, हो सकता है उसमें शक्ति हो, लेकिन ये छुटभैये बाजार में घूमने वाले बाजारू तांत्रिक इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये अपनी लंबी लंबी छोड़ते हैं। हमेशा वो कुछ सामान मंगाना और तंत्र के लिए रोज कोई नई प्रक्रिया करना उनको बताता रहा। तभी पूरे घर में तांत्रिक सामग्री बिखरी पड़ी थी। दिलासा देता रहा कि बस शैतानों को एक एक करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे सारे शैतान ख़त्म होंगे तुम्हारे दिन वापस आ जाएंगे, तुम्हारा कारखाना चल पड़ेगा, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, तरह तरह की बातें। लेकिन 4 सालों में काशी के परिवार में कोई सुधार नहीं हुआ। मैंने कई एपिसोड्स में तांत्रिक तंत्र मंत्र, तांत्रिकों के तरीके और लोगों के बर्बाद होने की अपराध कथा बताई है। प्लेलिस्ट में ये सभी अपराध की घटनाएं तंत्र मंत्र की सत्य घटनाओं के नाम से हैं। ये कुल 18 अपराध मैं अब तक बता चुका हूँ, जिसमें आज की घटना में इनके तौर तरीके, इनकी जगलरी, इनके प्रभाव डालने के तरीके सबका विस्तार से वर्णन किया है। हमारे किस्सा गोई परिवार के कुछ नए सदस्य जिन्होंने ये पार्ट्स नहीं सुने हैं वो एक बार फिर से सुन लें, और ये पार्ट्स सुनने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ आप कभी जीवन में किसी तांत्रिक के चक्कर में या उसके झांसे में नहीं आएंगे। ये पार्ट्स हैं 709, 675, 673, 416, 323, 293, 216, 197, 194, 192, 188, 170, 157, 134, 121, 119, 117 और 68। ये कुल 18 घटनाएं हैं जिनमें तंत्र तांत्रिक और तंत्र मंत्र ने परिवार के परिवार तबाह कर दिए। अपराध की ये जो 18 घटनाएं हैं वही मैं कह रहा हूँ कि नए पुराने लोगों ने सब ने सुनी होगी, जो पुराने और सुधी श्रोता हैं सब ने सुन रखी होंगी, लेकिन नए जो हमारे परिवार में सदस्य धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो नए सदस्य हैं अगर उन्होंने नहीं सुना है तो इसे ज़रूर सुन लें। और मेरी सलाह भी यही है कि कभी इनके झांसे में मत आइए, मत पड़िए इनके चक्कर में। समस्या के निदान के बहुत तरीके हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, तमाम डॉक्टरों की भरमार है। गांव के रहने वाले हैं शहर में आइए,
तमाम क्वालिफाइड डॉक्टर, छोटे छोटे शहरों में भी अब MBBS डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। जिला अस्पताल अपने आप में इक्विप्ड हैं, अब अच्छा इलाज होने लगा है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर और नए नए डॉक्टर इन अस्पतालों में आपको मिल जाएंगे। आपकी कोई धन संबंधी समस्या है तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बात करिए। बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, लोन बैंकों में आसानी से मिल जाता है। तो हर समस्या का निदान है, लेकिन तंत्र मंत्र, तंत्र साधना और तांत्रिक कतई इसका निदान नहीं है। इनके चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।